ए सोडी गाड़ी निकाल। अबे गाड़ी निकालने बोला था तूने, अंडा निकाल दिया। और वो विलेजर इस वक्त अभी बहुत उदास है, वो मेरे घोड़े को पूछ रहा है कि मैं कुएं में कूदूं कि नहीं, और मेरा घोड़ा उसको हाँ बोल रहा है। तो पिछले वीडियो में वेकेशन मनाने के लिए मैं एक मस्त बर्फीले विलेज में गया था। अभी जो एक बार जाता है उसे वापस तो आना ही पड़ता है, न्यूटन बाबा की ग्रेविटी ऐसी है। इसलिए आज मैं फिर से लौट रहा हूँ मेरे बंगलो की तरफ, जहाँ पर मैं मिलने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्त पप्पया से। ये रहा गाइस हम मेरे मेरे बंगलो में आते आते आप ऐसा स्वागत करोगे मेरा, ये क्या दे दिया भाई, माइनिंग फटीक। ठीक है मुझे खोदने की तरह जाना है अभी। तो हमारे बंगलो के ऊपर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमारी कार पार्क करते हैं, मतलब बोट पार्क करते हैं और जाते हैं फाइनली हमारे घर के अंदर। चले भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मेरे पप्पया से मिलने के लिए। पप्पया किधर है तू, इधर भी नहीं। ओ हाय डॉगी, अरे बहुत दिन बाद मिला तू। हाय पोपट्स कैसे हो। देखो गाइज मैं एक बहुत ही लंबी जर्नी करके आया हूँ और आज तो है सैटरडे, पूरा दिन सोऊंगा मैं। ये हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट बेड और इसके ऊपर दया, ये बेड का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो दया, डॉक्टर सालुन के को बोलो कि ये बेड उठाकर नेदर के लावा के अंदर डाल दे और खुद भी कूद जाए, वैसे भी कुछ काम नहीं करते हो। एक मिनट यार, सोने से पहले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और यहाँ पर किचन में हम जाएंगे तो एज यूजुअल खाली होगा, ये पप्पया पूरा खाना खा जाता है। लेकिन मेरा पप्पया इधर ही खेती कर रहा होगा तो उसके पास से जाकर मैं गाजर उठा सकता हूँ। ओहो क्या मस्त गाजर उगाया पप्पया ने। और ये देखो फाफड़े, कैसा है तू, मस्त स्विमिंग पूल के मजे ले रहा है ये फाफड़े। पप्पया को देखा क्या, यूजुअली पप्पया इधर ही होना चाहिए लेकिन पता नहीं आज किधर गायब हो गया वो। एक मिनट, ये चेस्ट किधर से आया, ये मैंने तो नहीं रखा है, इधर IMP लिखा है, मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर। ओ इसके अंदर क्या आगे देख भाई, ये स्कूल का मजा का माइनक्राफ्ट में भी आ गया। अच्छा ठीक है यहाँ पर दूसरा पेज भी है तो आगे देखते हैं अपन। ये क्या है, ये कोई सीक्रेट कोड लग रहा है, PPYKDP पत्रकार पोपट लाल येड़ा। और ये इधर हाँ करके साइन कौन करता है। एक मिनट, हाँ करके तो विलेजर्स बोलते हैं ना, और सिर्फ विलेजर ही नहीं बल्कि पिलेजर और विंडिकेटर भी हाँ बोलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, इस बुक में जरूर किसी न किसी बात का राज छुपा हुआ है। सोचो दया सोचो, वरना तुम्हें कल से बॉनविटा नहीं मिलेगा। अच्छा एक मिनट, PPY मतलब मेरे पप्पया का शॉर्ट नेम है ये, और आगे KDP लिखा है, इसका मतलब किडनैप, मेरा पप्पया किडनैप हो गया। ए फाफड़े तूने कुछ देखा क्या, यहाँ आंख में गोटियां डाल के बैठा क्या तू, क्या कुछ नहीं देखता है ये भाई। इधर इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतने सारे गोलम्स है मेरे पास, और एक गोलम्स कुछ काम के नहीं है, हमेशा टाइम पास करते रहता है। इनकी वजह से मेरा पप्पया चला गया। दया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई दया, मुझे पप्पया को कुछ भी करके बचा नहीं होगा गाइस। भले वो बहुत कामचोर है, भले वो मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, लेकिन अपना दोस्त है वो। एक मिनट, इस बात का क्लू भी इस बुक के अंदर ही होगा, इसको खोल कर देखो दया। क्लू ये हो सकता है दया, माइनक्राफ्ट में कौन सी चीजें है जो M से शुरू होती है, माइनशाफ्ट और मेंशन। अगर माइनशाफ्ट होता तो इधर SH होता, लेकिन ये N है, इसका मतलब मेंशन है, इसका मतलब पप्पया को किडनैप करके मेंशन के अंदर रखा है। बस बस हो गया दया, अब बिना किसी देरी के हमें पप्पया को बचाना होगा। ए सोडी गाड़ी निकाल। अबे गाड़ी निकालने बोला था तूने, अंडा निकाल दिया। कुछ काम का नहीं है तू, फिर मैं नौकरी से निकालता है अभी के अभी, कुछ फर्क ही नहीं है इसको। इस सीक्रेट बेस के अंदर मैंने एक बहुत ही तगड़ा आर्मर छुपा के रखा है, ये देखो गाइस, ये रहा मेरा सीक्रेट बेस। यहाँ पर ये रहा एंडर चेस्ट, इसके अंदर सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्स और सबसे पावरफुल आर्मर छुपा हुआ है, और इसको यूज करने का टाइम आ चुका है। अगर मैं इसको मेरे दोस्त को बचाने के लिए यूज नहीं करूंगा तो लानत है मुझ पर। ठीक है भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहा हूँ मैं। तो हम पहले मेंशन की तरफ जाएंगे और मेंशन में पहुंचने के बाद हम हमारा एंडर चेस्ट खोलेंगे, क्योंकि अगर बीच में मैं सारा आर्मर लेकर गया तो मुझे लूट लेंगे दया। तो गाइज मैं यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ, ये हमने बॉनविटा वाला दूध ले लिया है, ये पोक चॉप मच्छी मटन और पाव, इस पाव को मैं इस दूध के अंदर डुबा कर खाऊंगा, बहुत टेस्टी लगता है। गोलेम तेरे को मैं नौकरी से निकला तो तू स्विमिंग पूल में नहाएगा क्या, इसका दम तो देखो गाइज। चल फाफड़े अभी अपने को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है, चल जाने से पहले एक बार जय महाराष्ट्र बोल दे। 82 kilometers later. तो गाइज एक बहुत ही लंबा सफर करने के बाद मैं फाइनली एक विलेज के पास आ चुका हूँ। इधर मैंने एक विलेजर का घर उठा लिया, और वो विलेजर इस वक्त अभी बहुत उदास है, वो मेरे घोड़े को पूछ रहा है कि मैं कुएं में कूदूं कि नहीं, और मेरा घोड़ा उसको हाँ बोल रहा है।
तो गाइस मैंने इन विलेजर्स से बात की और इन्होंने मुझे बताया कि इधर पास में एक बड़ा सा मेंशन है जो कि जंगल के बीचों बीच है। और अब मुझे लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम आप लोगों को हमारा इन्फिनिट आर्मर दिखाने का। ये रहा, ये मेरे पास एंडर चेस्ट है और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करके खोल देता हूँ। ये देखे गाइस, ये चार है हमारा इन्फिनिट आर्मर। इसको मैं लगाऊंगा तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता। और इसके बाद ये रहे हमारे स्वॉर्ड्स, स्कलफायर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड ऑफ द कॉस्मोस, एकदम बारी बारी नाम है। और ये ड्रैगन किलर स्वॉर्ड है, इसका अटैक डैमेज देखो गाइस 1600, एक शॉट में ड्रैगन खत्म। हमारा पॉइजन वाला नाइफ और ये है हमारी दो धारी तलवार। के बाद ये हमारे एकदम ओपी टूल्स है। और ये जो क्राफ्टिंग टेबल है बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इसको आपको प्लेस करके दिखाऊं तो ये इतना बड़ा है। और ये जो आप स्वॉर्ड्स देख रहे हो ना, ये सिर्फ यही क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर बनता है। और ये हमारे नेम टैग्स है, एक का नाम है फाफड़ा और एक पपिया। सच बोल रहा हूँ गाइस, जिन लोगों ने पपिया को किडनैप किया ना, उन लोगों को छोड़ेगा नहीं मैं। अभी गाइस हम लोग निकलते हैं मेंशन की तरफ, थैंक यू भैया मेरे फाफड़ा का ध्यान रखने के लिए। तो गाइस मैं और फाफड़ा जा रहे हैं एक समंदर की जर्नी पर। रास्ता बहुत कठिन है लेकिन पपिया के लिए कुछ भी। और फाफड़ा मेरा स्विमिंग मस्त कर लेता है। अब उन विलेजर्स ने बोला था इसी जंगल के बीचों बीच एक मिनट, दिख गया गाइस मेंशन मिल गया, लेकिन अब हमें चुप चुप कर जाना पड़ेगा। ऐसे उनको पता ही होगा कि मैं आने वाला हूँ। ए डुक्कर, ये मेंशन का एंट्रेंस किधर है? ए छोड़, डुक्कर ने किसी को बता दिया तो चुगली करेगा शायद से। हाँ ये रहा एंट्रेंस इधर है। फुल अंधेरा है गाइस, दूर रहो। एक मिनट में फाफड़ा को थोड़ा साइड में पार्क करके आता हूँ। इधर पानी के बाजू में ही खड़े रहे और ऐश करते बैठ। ओके गाइस, इधर मैंने एक प्यारा सा छोटा सा घर बना दिया है। इसके अंदर मेरा, अच्छा बेड डालना भूल ही गया मैं, और मेरा एंडर चेस्ट जो है वो भी मैं यहीं पर डालता हूँ। अब मेरा मेन सामान लेने का टाइम आ चुका है गाइस। सबसे पहले तो मैं ये आर्मर लगाने वाला हूँ। और ये देखो इन्फिनिट आर्मर, फुल आरजीबी लाइटिंग वाली आंखें। के बाद ये थोड़ा खोदने का सामान भी। और इनमें से मैं कौन सा स्वॉर्ड लूँ? मैं एक्चुअली चारों लेने वाला हूँ। तो गाइस सारा गियर पहन लिया मैंने और मुझे पता नहीं ऐसे क्यों चमक रहा है, लगता है कोई ग्लिच है। मैं इधर से अंदर जाने वाला था, मैंने इधर खिड़की में से देखा तो अंदर बहुत सारे मॉब्स है। मतलब चारों तरफ रास्ते पे लोग घूम ही रहे हैं, विंडिकेटर, स्केलेटन, क्रीपर सब लोग है। ये देखो, ए भाई 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 भाई, ओहो ओहो आपस में लड़ो, वाह वाह वाह, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। एक मिनट, ए रुकना भाई, मेरे पास भी पिकैक्स। ओहो एक शॉट में मर गया भाई, वाह नाइस। नहीं, रुको, ये अंधे तेरे को दिखा नहीं देता, मैं तेरे सामने ही है। ए कौन मारा? सब एक शॉट में मर रहे गाइस। सबसे पहले ये लोग को खत्म करते हैं। ओ तेरी, अबे इधर तो बहुत सारे स्केलेटन्स है भाई भाई भाई, गंदा वॉर चल रहा है इधर, क्योंकि स्केलेटन्स और विंडिकेटर आपस में ही लड़ रहे हैं। लगता है मुझे ये यूज करना पड़ेगा। ये लो जाओ तुम लोग। ओ ओ ओ इतने सारे लोग किधर से आ रहे हैं? ये एक मुझे जेल दिख रहा है, इसके अंदर मेरा पप्पा हो सकता है शायद से। ये लोग आवाज मस्त करता है। हाँ ये वाला स्वॉर्ड बेकार है एकदम, ये ड्रैगन वाला लेता है। एक शॉट में सब खत्म। अभी अपन एक फायर स्वॉर्ड ट्राई करके दे। एक क्रीपर, क्रीपर मेरे भाई मत फुटना, पूरा डैमेज करके जाएगा। पहले क्रीपर को चटका मार के आते हैं। ये ले क्रीपर, फुट जा उधर ही फुट। ओ हाश मर गया। चलो दया आगे बढ़ते हैं। आप अकेले अंकल, आपके दोस्त लोग किधर गए? अरे इधर झुंडे पूरा। ओ माय गॉड इन लोग को देखो भाई, भागो इधर से, भागो भाई, बहुत बड़ा झुंड है भाई, ये पूरा कॉरिडोर भरा है इन लोगों से। भागो भागो भागो। ओ भाई ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे। अरे ये लोग स्पॉन किधर से हो रहे हैं? हाँ लड़ो लड़ो आपस में लड़ो। चलो हाँ वेरी गुड, शाबाश विंडिकेटर। अभी तू भी जा, जो भी बचा है सामने आ जाओ। तू इसका कोपचे में अकेला क्यों खड़ा था? देखा गाइस ये होता है इन्फिनिट आर्मर का फायदा, क्रीपर। चल क्रीपर से जाके थोड़ा मस्ती करते है। आई क्रीपर कैसा है तू? हाँ फुट, तू मेरे सामने फूटेगा? फुट ना फुट, फूट के तो दिखा गया। इन पीस माय ब्रदर। इसको देखो कैसे छुपके से बाहर निकला, नॉटी बॉय, ऐसा क्यों करता है तू? चलो भाई ये ग्राउंड फ्लोर तो क्लियर हो गया, अभी हम जाते हैं ऊपर। गाइस जरा ये लोगों को देखो, नीचे स्केलेटन और विंडिकेटर थे और यहाँ पर क्रीपर और विंडिकेटर है। भाई इतने सारे विंडिकेटर कौन लाता है? तो वाट लगने वाले भाई 100%। वो लोग अगर फूटे ना तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आए 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 सब विंडिकेटर आए। ये होता है इन्फिनिट आर्मर और स्वॉर्ड का कमाल। ये पूरे, ओ तेरी अबे इतने सारे लोग है। ए क्रीपर फुटा, क्रीपर फुटा, नुकसान किया। सबसे पहले कोपचे में जो, ओ भाई पूरा रूम क्रीपर से भरा है। हेड के ऊपर मैं खून कर रहा हूँ। वाह को देखो चुपके से कोपचे में खड़ा है, कैसा राह देख रखी। मैं उसके पास जाएगा तभी मैं उसके ऊपर अटैक करेगा। सुच्चा है एकदम। ये भी कोपचा पकड़ के बैठा है, वो भी कोपचा पकड़ के बैठा है, पट्टू लोग है सब। क्रीपर गो। ये एंडरमैन की आवाज आ रही है मुझे, शिट। आज से दूसरे कॉरिडोर में। ए एक मिनट ये क्या है? मुर्गी,
गाइस ये रहे एंडरमैन, मैं कब से बोल रहा था इनकी आवाज आ रही है मुझे, और इनको देख। ओ अरे ये पूरा का पूरा कॉरिडोर कैसे भरते हैं ये लोग। ओ नहीं 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 नहीं, सब लोग आ गए। नहीं 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 भाई भाई भाई, डर लग रहा है। नहीं 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 प्लीज जाओ एंडरमैन, प्लीज मारो भाई, एक एक करके सबको मारो इससे पहले कि सब लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे। अरे भाई मत डराओ ऐसे भाई, सच में डर लगता है। तुम लोग क्या इधर शादी में आए हो क्या? एंडरमैन का शादी हो रहा है, जरा सोचो। इधर मैं सिंगल बैठा हूँ। ओके गाइस, यहाँ से मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है, यहीं से हम ऊपर जाते हैं। ओ वाओ, इधर ऊपर भी कुछ तो है। ये विंडिकेटर का चेहरा है क्या? हाँ, इसलिए इतने सारे विंडिकेटर स्पॉन हो रहे थे। ए भाई कौन मार रहा है? ये कौन है? ओ शिट, अरे ये कौन है? ये है कौन? भाई शांति रख थोड़ा, तू मेरे को मारेगा? मेरे पास इन्फिनिट। ए भाग गया, अबे भाग गया। ये छोटे छोटे चिड़िया बहुत दिमाग खाते हैं। ओ भाई ये तो इधर दूसरा भी है। ओ ये एनिमेशन भारी है, जो भी है, बट तू जा इधर से। अभी देखो हाँ, ये जो नीचे से जबड़ा के बंद होता है ना, ये बहुत भारी करता है रे। चल अभी अभी तेरा काम खत्म, ठीक है? अभी तू भी जा। और ये लोग टोटेम ऑफ अंडाइंग ड्रॉप करते हैं। भाई ये जीव तो मैंने पहली बार देखा। गाइस कमेंट्स में बता दो कौन है वो, जैसे हाथ ऊपर करके नीचे से जबड़ा लेकर आ रहा था। हेलो, ये इधर तीसरा है। जस्ट बचा मैं, मेरा पपिया यही कहीं पर तो होना चाहिए। ये शायद से फाइनल। ये देखो, ये और एक है भाई। कितने लोग है ये? गाइज मुझे पपिया की आवाज आ रही है, पपिया यहीं कहीं पर तो होना चाहिए। ये बेडरूम में तो नहीं है। ए ए ए, ए ये रहा पपिया। पपिया मेरे दोस्त, पपिया कैसा है तू? पपिया तुझे मैं याद हो ना, मैं बहुत मेहनत किया तेरे लिए इधर आने के लिए। ओ ओ ओ, ये क्या हो रहा है? ए लाइट बंद हो रही है। अरे पपिया जल्दी चल इधर से भाई, तेरी वाट लगने वाली अगर तू नहीं निकला इधर से। ये हेलमेट पहन लेता हूँ मैं। हाँ यस यस यस, पपिया बैठ गया बोट में, मैं भी बैठता हूँ अब। चल पपिया निकलते इधर से फटफट। अच्छा मैं इस कारपेट के ऊपर नहीं जा सकता, मेरे पास एक आइडिया है। मैं यहीं से बाहर निकल जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट पानी में गिर सकते हैं हम लोग। ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट पपिया, डरना मत पपिया, हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। और ये हम चले अब डायरेक्ट यहाँ से पानी से बाहर निकलते हैं हम लोग। ओके फाइनली गाइस, मैं पपिया और फाफड़ा, हम तीनों साथ में बोट में बैठकर, मतलब फाफड़ा बाहर है, हम लोग सेफली मेंशन के बाहर निकल चुके हैं। इधर से मेरा बंगलो बहुत दूर है। पपिया इधर कैमरा की तरफ देखना, पपिया शर्मा रहा लगता है, शर्मीला पपिया। तो गाइस इस ओपी वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही फनी और क्रिएटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।